नमस्कार, डॉक्टर त्रिलोकचंद, प्रोफेसर रसशास्त्र विभाग, ज्योति मेला विद्यापीठ, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद। आज एक नए टॉपिक पर हम बात करेंगे। बहुत प्रचलित औषधि है अपिवृत्ति का चूर्ण। आपने देखा वो बहुत 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 पित्त विकारों में अम्ल पित्त की कॉमन दवाई है अपिवृत्ति का चूर्ण। इन विपत्ति को दूर करे वो अपिवृत्ति का चूर्ण कहलाता है। करैक्टरिस्टिक से इसका देखा जाए, सुंडी, मर्च, पिपली, हरद की, बहेड़े, विविध की, आमला की, मुस्तक, बड़ंग, बड़ंग, एला, तेजपत्र, लवंग, विशोत्रव्रत, शर्करा। इसका जो किस किस अनुक्रम में किस किस रूप में लिया जाता है, सुंडी एक बार, मर्च एक बार, पिपली एक बार, हरद की एक बार, विविध की एक बार, आमला की एक बार, मुस्तक एक बार, बड़ंग, बड़लवण एक बार, बड़ंग एक बार, इला एक बार, तेजपत्र एक बार, लवंग 11 बार, निशोथ 44 बार, शर्करा 66 बार। अब इसका अपिवृत्ति का चूर्ण बनाते हैं, कई फार्मेसी बनाती हैं, हम लोग वैद्य लोग घर पे बनाते हैं कि कौन कौन सा इसका जो पार्ट है, इसका जड़ी बूटियों का वो कौन सा बड़ा इंपॉर्टेंट करता है, कौन सा लेना चाहिए काम में। सुंठी है जनरली कॉमन, अदरक का रूप होता है, पक्व रूप जो होती है सुंठी उसका एक बार यूज किया जाता है। मर्ची काली मिर्च हो गया, फल हो गया उसका, पिपली का फल हो गया, हरण का, पेरिकार्प हो गया, विभीतिकी का एक फल हो गया, आमला की, आमला की मार्केट में खूब मिलता है। अब पका सूखा जो आमला है लिया जाता है, एक पार्ट सूखा जो लिया जाता है कच्चे फल से बना हुआ है, पक फल से बना हुआ है। जनरली मार्च अप्रैल फल में पक आम से जो आमला आता है उसको सुखाकर हम जो बनाया जाता है वही पित्त समूह की दृष्टि से श्रेष्ठ होता है, वरना उससे पहले वाला ठीक नहीं होता। पका हुआ आमले को सुखा के जो चूर्ण बनाया जाएगा वो आमला श्रेष्ठ होता है। बड़ंग, बड़ंग बड़ लवण हो गया, बड़ंग बड़ंग हो गया, एला, एला इसमें कौन सी इलायची लें, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, इसमें जनरली छोटी इलायची ली जाती है। पत्रम, तेज पत्ता हो गया, लवंग, लवंग 11 पार्ट हो गया, फ्लोर एफ एल बी डी काम लिया जाता है, निशोध जिसको त्रिवल कहते हैं, त्रिवल की मूल में काम ली जाती है, 44 पार्ट हो गया, शर्करा यानी खांड इसका 66 पार्ट हो गया। अब व्यवहार में देखा जाता है कि इसका एक एक पार्ट हो गए, निशोध 44 पार्ट हो, लवंग इसमें 11 पार्ट है। जनरली आम दृष्टि से लवंग इसमें 11 पार्ट होगा, मेन चीज हो गई। कई लोग कहते हैं सर अपिवृत्ति का चूर्ण को आप ढा में अम्ल पित्त में दिया जाता है, लेकिन लवंग तो अपने आप में गर्म होती है, आप इसका यूज कैसे कर रहे हैं, ये बहुत समझने वाली बात होती है। लवंग में, लवंग का अपिवृत्ति का चूर्ण में कितना बड़ा वर्ड होता है, अपिवृत्ति का चूर्ण में लवंग का जो विपाक होता है चूर्ण में वो मधुर होता है, यानी कालांतर में जो विपाक होता है वो मधुर होता है। आने वाले समय के हिसाब से जो इसका पाक होता है उसका चूर्ण में मधुर प्रभाव वाला मधुर विपाक ही होता है, इसलिए इसको काम किया जाता है। अब सद्य दृष्टि से और भी द्रव्य है, निशोत है पित्त समय का काम करेगा, 44 पार्ट हो गई, अम्ल पित्त में तुरंत पित्त को धा को सामन करेगा, शर्करा हो गई वो भी पित्त समय का काम करेगी, 66 पार्ट वो भी काम करेगी, लेकिन लवंग का 11 पार्ट लेना इसमें ये उसका विपाक मधुर होना इंडिकेट करता है कि इसका जो पार्ट है जो जो इसका रोल है वो मधुर विपाक होता है इसमें, इसलिए बाद में देखा जाता है। इनको संभाग में ले लिया, संभाग के प्रत्येक द्रव्य की जो निर्धारित मात्रा है उनका पाउडर लिया जाता है, उन सब पाउडरों को इकट्ठा करके मिक्स किया जाता है, खांड उत्तम तरह से बनी हुई सरकस में मिलाई जाती है। बहुत तो यात्रा से इसका यूज किया जाता है, अम्लपित्त हो गई, एसिडिटी हो गई, अर्ध अम्लपित्त, ऊर्ध्वरक्त पित्त, अधो अम्लपित्त में काम करेगा। इसका मल और मूत्र कर कहा गया है इसको, केवल अपिवृत्ति का चूर्ण मल का शोधन यानी विरेचन का काम नहीं करता, मूत्र शोधक का भी काम करता है। कई पेशेंट होते हैं जिनको हम देते हैं अपिवृत्ति का चूर्ण लिखना होता है तो मूत्र कर बताया है इसको, तो यवच्छा यानी किडनी या मूत्र वाली दवाइयों के साथ इसको भस्मों के साथ इसका यूज किया जाए तो वहाँ भी काम करेगा, बर्निंग सेंसेशन को भी दूर करेगा। अग्नि मानता है दीपन पाचन में भोजन उतर दिया जाता है, अपिवृत्ति का चूर्ण को शरीर में कहीं भी धा हो रहा हो, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, मांस का यूज किया जाए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम की इसको एक औषधि मान सकते हैं, पूरे शरीर में काम करते हैं। बड़ंग भी आया है, बड़ंग अपने आप में क्रीमियर औषधि बताया गया है, तो कहीं ना कहीं क्रीमियर भी औषधि होता है, छोटी इलायची हो गई। दूसरा कई वैद्य इसको श्वास रोग में भी काम लेते हैं, उस दृष्टि से काम आमाशय संबंध प्रभाव श्वास रोग की बीमारी बताई गई है, तो आमाशय संबंध में पित्त जनरेटेड होती है, पित्त संबंध का काम करता है, पित्त रेचन का भी काम करता है, मांस को काम करता है।
सॉन्डर्सपिटी बायोलाइंस का काम करेंगे, यानी किसी मेडिसिन की एक्टिविटी और फास्ट एक्टिविटी को तेज कर देंगे। नसूत आ गया, नसूत मृदु क्रियचक बताया गया है, उत्तम क्वालिटी का नसूत होना चाहिए। नसूत से क्या होता है कि नसूत मृदु क्रियचक होता है, शरीर में टॉक्सिन्स होते हैं, ब्रेचन्स करके सारे सारे पित्त भाग को निकालते रहते हैं। सरकार दृष्टि से 66 भाग हो गई, यानी संभाग की दृष्टि से लिया जाता है वो हो गया। तो अभी इस दृष्टि से होलिस्टिक में अव्यक्त गर्षण अपने आप में बहुत कंप्लीट मेडिसिन हो सकती है। आज कई बार कैंसर पेशेंट जो आते हैं और आपका उसके रिजल्ट्स आते हैं कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी के बाद में, उसको पित्त वृद्धि आती है, बहुत अच्छा अव्यक्त गर्षण काम करता है। अग्निमान हो गया, अब इसका जो अनपान है जल से जनरली खाने से पहले खाने के बाद दिया जाता है, भोजन पूर्व भोजन मध्य भोजन उपरांत भी दिया जाता है, नारियल के पानी से भी दिया जाता है, शहद के साथ भी इसका यूज कराया जाता है। हम क्या दृष्टि से किस दोष में किस बल के हिसाब से किस बीमारी में इसको काम लेते हैं वो अनपान की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अव्यक्त गर्षण कई बुक्स में कई कई अलग तरह से रेफरेंस भी मिलता है, तो ये जो कई उसका थोड़ा घटक क्रम चेंज इसमें हो सकते हैं। और अग्निमान ऐसा है कि अग्निमान की जो दवाई होती है भोजन कर दी जाती है, अग्नि को सीख करें सम्यक अग्नि को प्रयोग करें, सम्यक अग्नि बनाए और सम्यक अग्नि होगी पित्त का एक विपाक है वो ठीक होगा। उस दृष्टि अभी देख कर चूँ बहुत ही उपयुक्त दवाई है। इसमें एक मस्तक हो गया, ग्राही होता है, दीपन पाचन भी होता है, ग्राही भी होता है, तेजपत्रा हो गया, ये श्वास रोग की दवाई होती है, समित्सों का भी काम करना है, सारी दवाइयाँ ये प्रेमी हर भी होती हैं। कई बार डायबिटिक पेशेंट होता है प्रीमियम वाले जो रोगी होते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।